बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में 2000 रुपए के नोट को फेस्ड मैनर में मार्केट से हटाने का सुझाव आज राज्यसभा में रखा है। क्या चिंताएं आपके, आपने बहुत सारे तर्क दिए, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। देखिए, 3 वर्षों से RBI जो है 2000 के 30 नोट को अपना उसे बंद कर दिया है, मार्केट में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जो 2000 का नोट है ये होर्डिंग हो रही है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, प्रीमियम पर बाजार में बिक रहा है और मुख्य रूप से अपराध में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ड्रग है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस प्रकार के अपराध में, टेरर फंडिंग का भी, टेरर फंडिंग में, क्योंकि ये नगद पैसा है। और जब भारत सरकार ये डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, डिजिटल क्रांति ला रही है, और दुनिया के अधिकांश विकसित देशों के अंदर जैसे अमेरिका में 100 रुपये से ज़्यादा का डॉलर नहीं है, 100 डॉलर से ज़्यादा का की करेंसी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चाइना में, कहीं भी 100 से ज़्यादा का डिनोमिनेशन की करेंसी नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2000 का जो नोट है इसके प्रचलन को धीरे धीरे समाप्त करें और लोगों को मौका दे कि जिनके पास रुपया है 2000 का नोट वो बदली करा सके और एक समय सीमा के बाद वह नोट जो लीगल टेंडर ना रहे। यही मैंने केंद्र सरकार से या आपने भी कहा कि धीरे धीरे वो बाजार से गायब हो गया है, ATM में भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो होर्डिंग कर रहे हैं लोग ना, इसलिए लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, ब्लैक में बाजार में बिक रहा है। और ये तो जब नोटबंदी हुई थी उसमें 500 रुपये का जो नोट उसको जो बंद किया गया तो उसको वापस एक्सचेंज के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी, इसलिए 2000 का नोट प्रारंभ किया गया। नहीं तो इस देश के अंदर अभी भी 2000 का नोट नहीं रहा। तो RBI ने प्रिंटिंग बंद कर दिया, अब धीरे धीरे आपको लगता है कि जिनके पास है उनको एक मौका भी मिले, जिनके पास उनको मौका मिलना चाहिए वो एक्सचेंज कर सके छोटे नोटों से और एक समय के बाद उस नोट को पूरी तरह से मार्केट से विड्रॉ कर ले। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV।